डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर काफ़ी टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। काफ़ी टर्म्स है, छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनके बारे में अगर हमें पता नहीं होगा तो हमें लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसके अंदर जैसे हम बात करने वाले लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, प्रीमाइसेस, कंक्लूजन क्या होते हैं, और उसके बाद में हम और भी कई टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमारे पास है क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, प्रेडिक्ट, कोपला, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के लिए इन सभी स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमीजनेट है तो जीआरएफ है। दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि लॉजिक होता क्या है। देखिए लॉजिक इज द साइंस दैट इवेल्युएट आर्ग्यूमेंट, यानी कि तर्क वह विज्ञान है जो तर्कों का मूल्यांकन करता है। तर्क कैसा विज्ञान है दोस्तों, उसके अंदर हम तर्क जो आर्ग्यूमेंट हमें दिया जाता है, भाई ये चीज़ सही है, रीज़न दिए जाते हैं कि ये चीज़ सही क्यों है, ये आदमी गलत क्यों है, तो उनको हम उनका मूल्यांकन करते हैं कि क्या ये व्यक्ति सही कह रहा है या गलत कह रहा है। आगे हम बात करते हैं एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट क्या होता है। देखिए जब भी हम एक लाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, उन सभी के बारे में हम बातें करते चलेंगे। जैसे लॉजिक के बारे में बात की तो यहाँ पे आ गया आर्ग्यूमेंट, तो अब हम आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। एन आर्ग्यूमेंट इज ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, ये क्या होता है दोस्तों, स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है। इसके अंदर काफ़ी स्टेटमेंट हो सकती है, इंक्लूडिंग वन और मोर प्रीमाइसेस एंड वन एंड ओनली वन कंक्लूजन। इसके अंदर क्या है दोस्तों, आर्ग्यूमेंट के अंदर कई स्टेटमेंट हो सकती है, और इन स्टेटमेंट के अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस हो सकती है। प्रीमाइसेस का मतलब है दोस्तों आधार वाक्य हो सकते हैं, और उन आधार वाक्य से हम रिजल्ट निकालते हैं। जैसे प्रीमाइसेस के बारे में आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए ये हमारी प्रीमाइसेस है, यहाँ पे कहाँ पे गई, ये रही यहाँ पे, ये देखिए ये हमारी प्रीमाइसेस है। ये देखिए आर्ग्यूमेंट दोबारा फिर आगे ना वही चीज़, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तर्क का मतलब निष्कर्ष को सत्यापित करना होता है। जो भी निष्कर्ष निकल रहा है, जैसे राजू अच्छा है, राजू अच्छा ये निष्कर्ष है, लेकिन अच्छा क्यों है, इसको सत्यापित करना हमारा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। और इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रमाण हम लेके चल सकते हैं। निष्कर्ष के लिए एक आधार वाक्य होना जरूरी है, आधार वाक्य और निष्कर्ष से ही हमारा आर्ग्यूमेंट बनता है। अब आधार वाक्य जिसमें हम प्रीमाइसेस की बात कर रहे थे वो है सभी चोर अच्छे होते हैं। प्रीमाइसेस क्या दे दी, सभी चोर अच्छे होते हैं। उसके बाद में सेकंड प्रीमाइसेस क्या दी है, राजू एक चोर है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका जो कंक्लूजन है वो क्या है, राजू अच्छा है। क्योंकि इसके दो रीज़न यहाँ पे दे रखे हैं प्रीमाइसेस में, राजू सभी चोर अच्छे होते हैं और राजू एक चोर है। तो प्रीमाइसेस आपको पता चल गई, ठीक है, और प्रीमाइसेस से ही हमारा कंक्लूजन निकलता है। और इसमें देख लीजिए दोस्तों एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, एक आर्ग्यूमेंट के अंदर, ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रीमाइसेस हो सकती है, लेकिन जो हमारा कंक्लूजन होगा वो केवल और केवल एक ही कंक्लूजन हमारा होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी ना ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, अब हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या होती है ना, हर एक लाइन से एक नया वर्ड्स निकल रहा है। ए स्टेटमेंट इज ए सेंटेंस, स्टेटमेंट क्या होती है, एक सेंटेंस होता है दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स, जो या तो गलत होगा या सही होगा।
ध्यान से देख लीजिए, इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। एक जो स्टेटमेंट है वो एक सेंटेंस होता है जो या तो सही हो सकता है या फिर गलत हो सकता है। मैनी सेंटेंस आर नॉट स्टेटमेंट, कई सेंटेंस होते हैं जो स्टेटमेंट नहीं होते। जैसे हम बात करें, इन दोनों के बारे में आपको बता के चलूँगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि कौन सा सेंटेंस स्टेटमेंट होता है जो सही या गलत हो। जैसे कि हम किसी व्यक्ति को कहें, कोई व्यक्ति हमारे साथ कमरे में, उसको हम कहें कि बिल्ली चटाई पर बैठी है, ठीक है, उसको हमने ये बात कह दी, लेकिन वो व्यक्ति अगर चटाई की तरफ देखे तो वहाँ बिल्ली हो ही ना, तो हमारी बात क्या है, वो गलत निकल गई, ठीक है। अगर वहाँ पे बिल्ली बैठी हुई है चटाई के ऊपर तो हमारी बात सही निकल गई। तो वो क्या है दोस्तों, वो हमारी एक स्टेटमेंट है, क्योंकि वो सही है और या फिर गलत है, दोनों में से एक चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऐसा कोई सेंटेंस बोले जो ना तो सही और ना ही गलत हो, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो वो हमारी स्टेटमेंट नहीं होगी। जैसे कि मैं एग्जांपल दे के चलूँ, आप कितने साल के हैं, उस व्यक्ति से मैं पूछ लूँ भाई आप कितने साल के हैं, तो ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुई ना, ये तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप कितने साल के, तो वो बता देगा भाई मैं 32 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, वो जितने भी साल का होगा वो बता देगा, तो ये हमारी स्टेटमेंट नहीं हुई। तो ध्यान से देख लीजिए, स्टेटमेंट वो होती है जो या तो सही हो या फिर गलत हो। आगे हम बात करते हैं प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस इज ए स्टेटमेंट इन एन आर्ग्यूमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, एक आर्ग्यूमेंट के अंदर स्टेटमेंट होती है दैट प्रोवाइड रीजन और स्पॉट फॉर द कंक्लूजन, जो हमें निष्कर्ष निकालने के लिए रीजन देती है या फिर उसकी सहायता करती है कि ये बात सही क्यों है, गलत क्यों है, वो हमें उसके बारे में बताती है। प्रीमाइसिस क्या होती है दोस्तों, आधार एक तर्क में एक बयान है जो निष्कर्ष के लिए कारण या समर्थन प्रदान करता है। एक तर्क में एक या कई परिसर हो सकते हैं, ये चीज़ मैंने आप पहले भी बताई थी कि एक आर्ग्यूमेंट के अंदर कई प्रीमाइसिस हो सकती है। प्रीमाइसिस मैंने हमने बताया था, दिखाया था आपको एग्जांपल कि सभी चोर अच्छे होते हैं, राजू एक चोर है, तो वो दोनों के दोनों क्या है, हमारी प्रीमाइसिस हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं कंक्लूजन की बात करते हैं। अब देखिए, पहले हमने बात की थी प्रीमाइसिस की बात की थी, प्रीमाइसिस आधार वाक्य, आधार वाक्य से ही हम रिजल्ट निकालते हैं कि इनके जो आधार वाक्य हैं उनको हम देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, उसी से हम अपने रीडर के लिए, अपने लिसनर के लिए कोई अच्छा सा रिजल्ट निकालते हैं, उसको हम कहते हैं कंक्लूजन या निष्कर्ष कहते हैं। और जो निष्कर्ष है दोस्तों वो केवल एक ही होगा, दो या तीन निष्कर्ष नहीं हो सकते, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट की टर्मिनोलॉजी काफ़ी तरह की हो सकती है। इन सभी के बारे में दोस्तों हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, अभी हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट वगैरह क्या होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आर्ग्यूमेंट के अंदर डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, इन दोनों के बारे में भी बहुत अच्छे से करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग और वीक होगा, ये आप ध्यान में रख लेना। आगे वैसे करवाऊंगा आपको दोबारा से मैं ये चीज़ें, इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है, 2020 एग्जाम में भी आ चुका है। जो वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो साउंड अनसाउंड हो सकता है, और इनवैलिड होगा वो केवल अनसाउंड होगा, और जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रोंग होगा या वीक होगा। स्ट्रोंग जो होगा कोगनेंट होगा, इनकोगनेंट होगा, वीक जो होगा इनकोगनेंट होगा। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। आर्ग्यूमेंट हमने कर ही लिया था, और उसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन। अब देखिए, ये सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि प्रेपोजिशन क्या होती है। सेंटेंस कंसाइडर इन ए प्रेपोजिशनल लॉजिक आर नॉट आर्बिट्रेरी सेंटेंस, वट आर द वंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। इसका मतलब ये है, प्रेपोजिशन एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो या तो सही होंगे या गलत होंगे, वो आर्बिट्रेरी सेंटेंस नहीं होंगे, यानी कि बीच के सेंटेंस नहीं होंगे। ऐसे नहीं कहेंगे हाँ भाई चलो ये व्यक्ति ठीक है भाई, ठीक ठाक सा ही आदमी है, ठीक है, और कोई नहीं कभी कभार गलतियाँ कर देता है, ठीक ठाक सा ही आदमी है, यानी कि बीच में वो बात नहीं रखेंगे, ठीक है। हम ये कहेंगे कि हाँ ये आदमी सही है
या फिर ये आदमी गलत है, एक बात हम कहेंगे, बीच की बात हम उसको नहीं रखेंगे। तो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड प्रेपोजिशंस, यानी कि जिसका एक ही आंसर हो, या तो वो सही हो या फिर वो गलत हो, बीच की बात ना हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन कहेंगे। अब देखिए, इफ ए प्रेपोजिशन इज ट्रू, अगर कोई प्रेपोजिशन ट्रू है तो उसकी ट्रू वैल्यू, ट्रूथ वैल्यू कितनी क्या होगी, ट्रू होगी, ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। इफ ए प्रेपोजिशन इज फॉल्स, अगर कोई प्रेपोजिशन गलत है तो इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि ग्रास इज ग्रीन, जो घास है वो हरा होता है। अगला है 2 + 5 = 5, आर प्रेपोजिशन, यहाँ पे दो प्रेपोजिशन दी गई है, एक गलत, एक सही है और दूसरी गलत है। द फर्स्ट प्रेपोजिशन हैज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू, यानी कि पहली जो हमारे पास ये प्रेपोजिशन है ग्रास इज ग्रीन, इसकी ट्रूथ वैल्यू कितनी है दोस्तों, ट्रू है इसकी ट्रूथ वैल्यू। दूसरी 2 + 5 = 5, ये इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, बट क्लोज द डोर एंड इज इट हॉट आउटसाइड इज आर नॉट प्रेपोजिशन, ये कोई प्रेपोजिशन नहीं है दोस्तों, क्लोज द डोर। अब इसमें क्या बताइए, सही है या गलत है, बताओ क्या बताएं। अगर यहाँ पे कोई ये कह दे कि गाय की 6 टांगे होती हैं, तो ये चीज़ तो हम बता सकते हैं ना, गलत है या सही है, तो ये क्या होगी, हमारे प्रेपोजिशन होगी। लेकिन क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कीजिए, ये क्या है, ये हमारे प्रेपोजिशन नहीं है, इसको हम सही या गलत नहीं कह सकते, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन के क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वांटिफायर की, बात करते हैं, वो हमें बताता है कि क्या है, कितना है। देखिए, क्वांटिफायर के अंदर हम 4 तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। नंबर एक है ऑल, यानी कि सभी, यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल पॉजिटिव कहते हैं। फिर है नो, नो का मतलब बिल्कुल भी नहीं। और फिर है सम, सम का मतलब है कुछ, ठीक है। तो इसके अंदर ये करते हैं वर्ड्स का यूज़, ऑल, नो, सम, 3 तरह के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। भाई सभी व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कहे नहीं, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं है। तीसरा आदमी कहे भी कुछ व्यक्ति ईमानदार इनमें से हैं, तो क्वांटिफायर के अंदर ये होता है। और आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, बात करते हैं, इसको डिनोट बाय एस किया जाता है, ऐसे से डिनोट किया जाता है। द सब्जेक्ट इज दैट अबाउट विच समथिंग इज सेड, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम कहें, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। आगे हम बात करते हैं प्रेडिकेट, प्रेडिकेट होता है, द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन डिनोटिंग दैट विच इज अफर्म्ड और डिनाइड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए, के बारे में जो बात कही जाए वो प्रेडिकेट कहलाती है, ठीक है। राजू एक अच्छा इंसान है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया हमारे पास, राजू हो गया, अच्छा इंसान है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं द कोपला, कोपला क्या होता है, द कोपला इज द पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन विच डिनोट द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में रिलेशन बताए उसको हम क्या कहेंगे, कोपला कहेंगे। अब मैं इसके बारे में आपको एक एग्जाम्पल दे के दिखाता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैटेगोरियल प्रेपोजिशन के अंदर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होती है दोस्तों, ए, ई, आई, ओ, इन सभी के बारे में हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि इनमें से पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। और अभी हमने जो बात की थी ना, जैसे कि ये की थी सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कैपुला, तो इनके बारे में भी एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे ऑल एस आर पी, ठीक है, इसके अंदर जो क्वांटिफायर है दोस्तों, क्वांटिफायर क्या हो गया, ऑल हो गया। क्वांटिफायर के अंदर हमने बात की थी ना, ऑल आएगा, नो आएगा या फिर सम आएगा, ये 3 चीज़ों की हमने बात की थी। तो ये क्या हो गया, क्वांटिफायर हो गया, इसके अंदर ऑल, सब्जेक्ट हो गया एस, ऑल एस आर पी, यानी कि सभी के सभी एस वो क्या है, पी है, सब्जेक्ट इसके अंदर क्या हो गया, एस हो गया, और जो प्रेडिकेट हो गया वो क्या हो गया, पी हो गया। एस के बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट और क्या बात कर रहे हैं, पी बात कर रहे हैं, वे सभी के सभी जो एस है वो पी
पी है, यानी कि सारे के सारे जो आदमी हैं वो ईमानदार हैं। तो ईमानदार क्या हो गया, वो हो गया हमारे पास प्रेडिकेट पी, और सभी के सभी आदमी क्या हो गया, आदमी क्या हो गया हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। जो कॉपुला है वो हो गया हमारे पास आर, ऑल एस आर पी, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वांटिफायर, सब्जेक्ट, टर्म, कॉपुला और प्रेडिकेट क्या होता है। और अब थोड़ा सा इसके अंदर जो हमारी चार टर्म थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कैटेगोरिकल प्रेपोजिशन के अंदर फोर स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है। नंबर एक है दोस्तों यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो सारे की सारी चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव होती है। जैसे कि ऑल बॉल आर स्ट्रोंग, सभी की सभी बॉल क्या है, स्ट्रोंग है। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया हमारे पास। और फिर हम बात करते हैं ई की, बात करते हैं ई की बात करते हैं। जितनी भी चीज़ें होती है उनको हम नेगेटिव तरीके से लेते हैं। नो बॉल आर स्ट्रोंग, यानी कि कोई भी बॉल स्ट्रोंग नहीं है, कोई भी बॉल मजबूत नहीं है। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया। आगे हम बात करते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव आई की, बात करते हैं पर्टिकुलर पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, सम बॉल आर स्ट्रोंग, कुछ बॉल क्या है, स्ट्रोंग है। तो ये क्या हो गया, आई हो गया। उसके बाद में सम बॉल आर नॉट स्ट्रोंग, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, ओ कहेंगे, पर्टिकुलर नेगेटिव कहेंगे। तो इसके अंदर कुछ बॉल स्ट्रोंग नहीं है। तो ए आई ओ, इन चारों के बारे में आपको पता होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसके अंदर इन सभी का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ए आई ओ के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो आप हमें बता सकते हैं, और आपको वीडियो के अंदर जो भी अच्छा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर 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 बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।